हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोरिलेशन और रिग्रेशन एनालिसिस यूजिंग एक्सेल। हमने पहले वाले एक वीडियो में देखा भी था कि ये कोरिलेशन और रिग्रेशन एनालिसिस SPSS के थ्रू कैसे हो सकता है। अगर आपके पास SPSS सॉफ्टवेयर नहीं है और अगर रेगुलर एक्सेल भी है तो भी आप कोरिलेशन और रिग्रेशन एनालिसिस कर सकते हैं। इसको समझने के लिए हम पहले हमारी डेटा फाइल में जा रहे हैं। ये हमारा डेटा फाइल है, ये वही फाइल है जो हमने SPSS में यूज़ किया था। इसमें हमारे पास काफ़ी सारे वेरिएबल हैं। हमने यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है, ये हमारा सैलरी एज ए वेरिएबल है और ये सेल बिगिन, ये बिगिनिंग सैलरी है और ये टोटल एक्सपीरियंस है। ओके, फिलहाल हम जो कोरिलेशन एनालिसिस करेंगे उसमें हम सैलरी, बिगिनिंग सैलरी और एक्सपीरियंस, इन तीनों के बीच में हमें इंटरनल कोरिलेशन एनालिसिस करना है और इंटरप्रिटेशन भी करेंगे और आगे रिग्रेशन एनालिसिस भी अटेम्प्ट करेंगे। कोरिलेशन एनालिसिस करने के लिए पहले तो आपको ये डेटा मेनू टैब में जाना है और वहाँ पर हमें ये डेटा एनालिसिस का टैब दिखेगा। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा है, ये टैब आपके सिस्टम में नहीं दिख रहा है, तो चिंता नहीं करना है, हमें इसको एक्टिवेट करना है। अब एक्टिवेट कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पर हमारा जो विंडोज़ का आइकन है, ओके, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर टैब मिल रहा है एक्सेल ऑप्शन, एक्सेल ऑप्शन पर क्लिक करना है। एक नया विंडो ओपन हो रहा है जिसमें बहुत सारे एक्सेल के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पर हमें क्लिक करना है एड इंसर्ट के ऊपर, ये नए एड इंस है। तो एक एड इंस का टैब खुल रहा है। यहाँ पर सबसे नीचे यहाँ पर आपको दिख रहा है एक्सेल एड इंस, यहाँ पर हमें गो करना है। एक नया टैब खुलेगा, सारे एड इंस अवेलेबल हैं आपके सिस्टम में। अगर ये जो एनालिसिस टूल पैक अगर चेक नहीं है तो उसको हमें सिलेक्ट कर लेना है और ओके करना है। जब आप पहली बार करोगे तो आपका सिस्टम आपको पूछेगा कि ये फीचर इंस्टॉल नहीं है, आपको इंस्टॉल करना है। आप यस करोगे तो अराउंड एक मिनट का टाइम लगेगा और वो इंस्टॉलेशन हो जाएगा। सो हमारे पास यहाँ पर डेटा एनालिसिस टूल पैक अवेलेबल है, तो हम एनालिसिस टूल पैक में जा रहे हैं। जैसे ही हमने टूल पैक किया, हमारा एनालिसिस का मेनू अवेलेबल है। यहाँ पर हमारे पास कोरिलेशन है, तो हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया कोरिलेशन और ओके कर दिया। अब ये हमें पूछ रहा है इनपुट रेंज, मतलब आपको जिस वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन निकालना है वो सारे वेरिएबल को आपको इंसर्ट करना है। यहाँ पर अगर आप दो से ज़्यादा वेरिएबल या जिनके वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन निकाल रहे हैं, वो वेरिएबल का पास पास में होना ज़्यादा ज़रूरी है कन्वीनियंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे और हमने ये तीन वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन निकालना है। ओके, यहाँ पर मैंने शिफ्ट कंट्रोल और डाउन एरो किया तो मेरा पूरा टैब सिलेक्ट हो गया है और हमने इनपुट रेंज सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर एक मेनू आता है टेबल लेबल इन द फर्स्ट रो, क्योंकि हमारा जो डेटा फाइल है उस पर सबसे ऊपर जो है वो लेबल है, हमने लेबल भी सिलेक्ट किए हुए हैं, तो इसीलिए हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब आउटपुट के लिए हमारे पास तीन ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप चाहो तो इसी वर्कशीट में आपको दिख जाएगा। ओके, आपको नई वर्कशीट क्रिएट करनी है तो यहाँ पर नई वर्कशीट क्रिएट होगी, जो यहाँ पर नई वर्कशीट आ जाएंगी। और अगर आपको नई वर्कबुक क्रिएट करनी है तो नई वर्कबुक भी क्रिएट आ सकती है। कन्वीनियंस के लिए हम लोग इसी वर्कशीट पर काम करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक नई वर्कशीट अवेलेबल चाहिए, तो नई वर्कशीट का हमें नाम चाहिए। हम वर्कशीट का नाम दे रहे हैं कोरिलेशन और हमने प्रेस कर दिया ओके। देखो हमारा ये जो है ये डेटा फाइल है और यहाँ पर एक नई वर्कशीट बन गई जिसका नाम है कोरिलेशन। ओके, और वहाँ पर हमारा एनालिसिस अवेलेबल है। थोड़ा जूम करके देखते हैं समझने के लिए। ओके, अब ये जो है हमने दो से ज़्यादा वेरिएबल सिलेक्ट किए हैं, तो ये क्या इंडिकेट करता है, सैलरी का सैलरी के साथ वन होगा, सैलरी बिगिनिंग का सैलरी बिगिनिंग के साथ, टोटल एक्सपीरियंस का टोटल एक्सपीरियंस के साथ। ओके, ये जो है 0.880, ओके, ये है सैलरी का बिगिनिंग सैलरी के साथ कोरिलेशन है। अब इसको इंटरप्रिट कैसे करेंगे, अब इंटरप्रिटेशन के लिए पहले हमें देखना है कि ये जो वैल्यू है उसका साइन क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। साइन अगर पॉजिटिव है तो ये दोनों वेरिएबल्स के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है, मतलब जब बिगिनिंग सैलरी बढ़ती है तो उसके साथ करंट सैलरी भी बढ़ रही है, बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। अगर माइनस साइन है तो ये नेगेटिव कोरिलेशन है, मतलब जब एक वेरिएबल बढ़ता है तो दूसरा वेरिएबल कम हो रहा है, जब एक वेरिएबल कम हो रहा है दूसरा वेरिएबल
बढ़ रहा है, ये इनवर्स रिलेशनशिप देखा जाता है। सो पहला काम हमें साइन देखना है कि इस केस में साइन पॉजिटिव है, मतलब हम इंटरप्रिटेशन करेंगे देर इज पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन सैलरी एंड बिगिनिंग सैलरी। उसके बाद हमें देखना है वैल्यू, जो वैल्यू है कोरिलेशन का वैल्यू, जिसे हम पियर्सन कोरिलेशन नॉर्मली कहते हैं, वो माइनस वन से लेके प्लस वन के बीच में होगा। अगर ये वैल्यू 0.5 से ज़्यादा है तो हम कोरिलेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे, अगर 0.5 से कम है तो कोरिलेशन वीक माना जाएगा। ओके, अगर ये वैल्यू 0 के आसपास आ रहा है तो हम इंटरप्रिट करेंगे कि कोई कोरिलेशन नहीं है। अब हमारे केस में तीन चीज़ें हो रही हैं, एक साइन पॉजिटिव है, मतलब इन दोनों वेरिएबल सैलरी और बिगिनिंग सैलरी के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है। ये वैल्यू 0.5 से ज़्यादा है क्योंकि 0.880 है, मतलब कोरिलेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो हम इसमें इंटरप्रिट करेंगे देर इज स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन सैलरी एंड बिगिनिंग सैलरी, ये हमारा इंटरप्रिटेशन हो जाएगा। वैसे ही अगर हम सैलरी को एक्सपीरियंस के साथ देखें तो हमारा जो कोरिलेशन का वैल्यू है ये आ रहा है माइनस में आ रहा है। ओके, सो हम एक तरफ बोल सकते हैं कि नेगेटिव कोरिलेशन है सैलरी एक्सपीरियंस का, लेकिन जो वैल्यू है ये 0.09 है, मतलब जीरो के आसपास है। इसका मतलब हो गया कि सैलरी और एक्सपीरियंस के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है। तो इस तरह से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब जब दो वेरिएबल्स के बीच में अगर हमें कोरिलेशन दिखता है, स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन दिखता है, और हमें प्रिडिक्टिव मॉडलिंग में जाना है, मतलब अगर मुझे किसी एम्प्लॉय का बिगिनिंग सैलरी पता है और मुझे उसका करंट सैलरी एस्टिमेट करना है, जब एस्टिमेशन की बात आती है तो हम रिग्रेशन पे जा सकते हैं। अब रिग्रेशन के लिए कोरिलेशन होना ज़रूरी है, अगर दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन ही नहीं है तो अगर आप रिग्रेशन में उसको यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम रिग्रेशन एनालिसिस करेंगे। अब रिग्रेशन एनालिसिस में हमें पता होना चाहिए कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। तो इस केस में हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ये करंट सैलरी है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल बिगिनिंग सैलरी है। ओके, मतलब हम करते हैं कि किसी एम्प्लॉय की जो करंट सैलरी कितनी है वो डिपेंड करेगा कि उसकी बिगिनिंग सैलरी कितनी है। अब फिर से हम रिग्रेशन के लिए हमारे डेटा फाइल में जा रहे हैं। यहाँ पर फिर से डेटा टैब में जाके हम एनालिसिस टैब में क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम स्क्रॉल डाउन नीचे करेंगे तो हमें यहाँ पर टैब मिलेगा रिग्रेशन। ओके, तो हमने रिग्रेशन टैब पे क्लिक कर लिया, ओके कर लिया। अब हमें यहाँ पर इनपुट रेंज देखना है। ओके, इनपुट रेंज वाई और इनपुट रेंज एक्स। अगर आपको लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन याद है तो लीनियर सिंपल लीनियर इक्वेशन होता था वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, है ना। तो जिसमें वाई है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जो इनपुट रेंज वाई है वहाँ पर हमें डिपेंडेंट वेरिएबल इंसर्ट करना है। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और हमारा जो सैलरी है ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि हम बना रहे हैं कि सैलरी है वो बिगिनिंग सैलरी पर डिपेंड करता है। ओके, तो हमने पूरा वेरिएबल का कॉलम सिलेक्ट कर लिया है। जो एक्स वेरिएबल है ये हमारा बिगिनिंग सैलरी है, तो फिर से हम बिगिनिंग सैलरी को सिलेक्ट करेंगे। याद रखो हम टाइटल के साथ सिलेक्ट कर रहे हैं, लेबल के साथ सिलेक्ट कर रहे हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर एक टैब आ रहा है लेबल, हमें लेबल पे क्लिक करना है। ओके, कॉन्फिडेंस लेवल 95% बाय डिफॉल्ट आता है, मतलब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो पी वैल्यू की बात करेंगे वो 5% होगा। आउटपुट के लिए हमारे पास इसी वर्कशीट में देना है नई वर्कबुक चाहिए, नई वर्कशीट जो ऑप्शन अवेलेबल है हम यहाँ पर नई वर्कशीट का नाम डाल रहे हैं रिग्रेशन। और भी कुछ टैब्स अवेलेबल हैं अगर आप कुछ एडिशनल रेसिड्यूल वगैरह पता लगाना चाहो तो, और हम प्रेस करेंगे ओके। देखो हमारा ये डेटा फाइल था, ये हमारा कोरिलेशन वाला टैब था और ये हमारा रिग्रेशन एनालिसिस अवेलेबल है। SPSS में भी हमें ऐसा ही कुछ लेबल मिला था, थोड़ा इसको जूम करके देखते हैं। ओके, इस केस में क्या क्या हमें वैल्यू हैं जो ध्यान रखना है। पहला हमारे लिए वैल्यू इम्पोर्टेंट है ये हमारा मल्टीपल आर। ये मल्टीपल आर कुछ नहीं है, ये हमारा कोरिलेशन है। तो अगर हम हमारा कोरिलेशन का वैल्यू देखेंगे तो हमें यही वैल्यू मिला था। तो रिग्रेशन एनालिसिस में सबसे जो इम्पोर्टेंट वैल्यू आता है मल्टीपल आर, ये इंडिकेट करता है कि कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। उसके बाद हमें वैल्यू देखना होता है ये एग्जिस्टेड आर स्क्वायर का। ओके, ये एग्जिस्टेड आर स्क्वायर है, ये 0.774 आर है। अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूँगा तो ये आएगा 77.41%। ओके,
ये बेसिकली हमारा मॉडल का फिटनेस है, मतलब जो करंट सैलरी है उसको एस्टिमेट करने के लिए हमने जो बिगिनिंग सैलरी एज ए वेरिएबल यूज किया है वो 77.41% एक्सप्लेन कर रहा है। ओके, मतलब करंट सैलरी में जो फ्लक्चुएशन आ रहा है उसमें से 77.41% जो चेंज है वो बिगिनिंग सैलरी की वजह से है। जब भी आप रिग्रेशन रन करेंगे तो हमें ये वैल्यू ध्यान रखना है। अगर ये वैल्यू बहुत कम आ रहा है तो मतलब आपका मॉडल अभी फिट नहीं है, आपको करंट सैलरी के एक्सप्लेन करने के लिए बिगिनिंग सैलरी के अलावा और वेरिएबल भी ऐड करने की ज़रूरत है। ओके, तो ये देखा जाएगा। उसके बाद हमें वैल्यू देखना है, टेबल देखना है अनोवा। अनोवा के टेबल में हमारे लिए वैल्यू काम की जो चीज़ है वो वैल्यू है हमारे पास ये SIG की वैल्यू, जिसे हम पी वैल्यू कहते हैं। यहाँ अगर आप पहली बार देखोगे तो आपको ये अटपटा वैल्यू लगेगा। ओके, लेकिन ये जो ई दिख रहा है ये इसकी वजह से है क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है वो इतना छोटा है और एक्सेल ने हमें एक्चुअल वैल्यू डिफाइन की है। अगर हम इसको प्रॉपर वे में देखना चाहें कि ये पी वैल्यू है कितना, तो हमें यहाँ पर राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट में जाना है। ओके, और यहाँ पर अगर आप जनरल के बदले नंबर कर देंगे तो हमें ये एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगा। देखो ये आ रहा है 0.000। ओके, नॉर्मली हम इसको 0.05 से कंपेयर करते हैं, सो मतलब ये वैल्यू 0.05 से कम है, इसका मतलब हमारा जो रिग्रेशन मॉडल है वो सिग्निफिकेंट है। ओके, ये हमारा प्रूव हुआ। उसके बाद हमें जो काम की चीज़ें हैं वो हमारा रहा कोएफिशिएंट। ओके, हमारे लिए ये दो चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। अगर हम इसमें रिग्रेशन इक्वेशन लिखेंगे तो हमारा रिग्रेशन इक्वेशन यहाँ पर क्या होगा, हम कहेंगे सैलरी इज इक्वल टू ओके ए दैट इज ऑटोनॉमस टर्म ओके प्लस बी इनटू बिगिनिंग सैलरी। ये हमारा रिग्रेशन मॉडल हुआ। ओके, मतलब करंट सैलरी है उसका वो डिपेंड करती है बिगिनिंग सैलरी के ऊपर। ओके, अब हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए, तो ए और बी की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाती है। तो ए जो है वो 1928 पॉइंट समथिंग आया और जो बी वैल्यू है वो 1.90 आया। अब हमारा जो रिग्रेशन इक्वेशन है ये हो गया सैलरी इक्वल टू 1928 प्लस 1.90 इंटू इंटू बिगिनिंग सैलरी। ओके, ये हो गया हमारा इक्वेशंस। ओके, इसका मतलब क्या हो गया, अगर हमें किसी एम्प्लॉई की करंट सैलरी फोरकास्ट करनी है और अगर हमारे पास बिगिनिंग सैलरी का डेटा अवेलेबल है तो हमें ये इक्वेशन के थ्रू हम उसकी करंट सैलरी फोरकास्ट कर सकते हैं। ओके, तो मान लो कि किसी एम्प्लॉई की जो करंट सैलरी है वो $1,000 है, तो बिगिनिंग सैलरी $1,000 है, तो करंट सैलरी कितनी हुई, सो 1000 इंटू 1.90 प्लस 1928, ये हमारा रिग्रेशन इक्वेशन मिल गया। तो जो कोएफिशिएंट है ये हमारा इंटरसेप्ट है और ये हमारा स्लोप है। ओके, इस केस में अगर किसी की बिगिनिंग सैलरी जीरो होगी तो उसकी करंट सैलरी कितनी होगी, तो बिगिनिंग सैलरी जीरो है तो जीरो को अगर 1.90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो मिलेगा, तो सैलरी हो गया 1928। तो अगर किसी की बिगिनिंग सैलरी जीरो है तो उसकी करंट सैलरी होगी 1928, और अगर बिगिनिंग सैलरी का डेटा हमारे पास अवेलेबल है तो उस बिगिनिंग सैलरी को 1.90 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 1928 ऐड करेंगे तो हमें करंट सैलरी मिल जाएगी। तो इस तरह से हम उनको सैलरी को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि हमारा जो इंटरसेप्ट और स्लोप है ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं। हम जब सिग्निफिकेंट की बात करते हैं हम बोलेंगे इज इट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम जीरो, इंटरसेप्ट जीरो तो नहीं है और जो स्लोप है वो जीरो तो नहीं है। अब उसको चेक करने के लिए हमारे पास यहाँ पर वैल्यूम अवेलेबल होता है, ये हमारा पी वैल्यू है, तो ये दो वैल्यू देखनी होती है हमें। ओके, ये इन दोनों का, ये जो है इंटरसेप्ट का सिग्निफिकेंट लेवल है पी वैल्यू है और ये सैलरी बिगिनिंग का सिग्निफिकेंट है। ओके, तो देखो इंटरसेप्ट का जो बिगिनिंग जो सिग्निफिकेंट वैल्यू है वो 0.03 है, जो 0.05 से कम है, मतलब इंटरसेप्ट है वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम जीरो है। सैलरी बिगिनिंग जो है उसका जो हमारा जो स्लोप आया वो स्लोप भी जीरो से सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है कि नहीं, उसके लिए हमें यहाँ पर पी वैल्यू मिल रहा है। ओके, इसको भी हम फॉर्मेट सेल में जाके नंबर में कन्वर्ट करेंगे
तो हमें मिल जाएगा, ये भी जीरो है। ओके, सो मतलब इस मॉडल में इंटरसेप्ट भी है और स्लोप भी है। इंटरसेप्ट एंड स्लोप बोथ आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम जीरो। हमारा जो पूरा ओवरऑल मॉडल भी सिग्निफिकेंट है, और हमने थ्रू बिगिनिंग सैलरी करंट सैलरी को 77.41% एक्सप्लेन किया है। ओके, आई होप आपने अपना रिग्रेशन एनालिसिस एक्सेल के थ्रू ठीक से समझा होगा। ओके, मेरा एडवाइस है कि अगर आप अपनी डेटा फाइल लेके इस फाइल के साथ साथ काम करेंगे तो आप इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ओके, ऐसे ही अगर आपको कोई स्पेसिफिक एनालिसिस की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम श्योरली उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे जो आपको हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।